हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम साहू। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 5 की जो आज बात करने वाले हैं वह प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन है। ओके, अब इसे प्रूफ करने से पहले जिसने भी यह चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोज नए दो वीडियोस नए क्वेश्चन के देखने को मिलेंगे। ओके, अभी बोर्ड एग्जाम का समय है, इसलिए आप ना इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोज दो न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। ओके, और जिसने भी इस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है वह इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लें, जिससे आपको यह क्वेश्चन और यह एक्सरसाइज बाकी की जितनी भी एक्सरसाइज है इस चैप्टर के अंदर वह अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखिए, ओके, जिसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस 8th चैप्टर का। ओके, और जो हम आज बात करने वाले हैं वह एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5th के 9th वाले पार्ट की बात करेंगे। ओके, तो आज हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार करा जाए। ओके, तो यहां पर देखेंगे अपन जो क्वेश्चन है अपना 5th वाला वह क्या लिखा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। ओके, तो एलएचएस को सॉल्व करते जाना है और प्रूफ क्या करके बताना है, आरएचएस। ओके, अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं, इसको किस प्रकार से सॉल्व कराया जाता है वह अपन समझते हैं। प्रूव दैट वाला क्वेश्चन में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ता है साइन और कॉस के फॉर्म में। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो अपन समझते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले ये क्या है, एलएचएस, इसको सॉल्व करते जाए। मैंने कहा बोला सबसे पहला जो स्टेप होता है इस क्वेश्चन को करने में, सबसे पहले क्वेश्चन को क्या में कन्वर्ट करना पड़ता है, साइन और कॉस के फॉर्म में। अपन देखेंगे क्या लिखा है, कोसेक, कोसेक मतलब क्या होता है, 1/sin a माइनस ये साइन ए का, तो साइन ए लिखे रहते हो क्योंकि क्वेश्चन को साइन के और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये साइन ए हो गया। फिर लिखा है सेक, तो 1/cos a माइनस क्या हो जाएगा, cos a। ओके, तो ये दोनों ब्रैकेट को अपन ने कन्वर्ट कर दिया है। अब अपन देखेंगे यहाँ पर क्या करा जाए, एलसीएम, तो एलसीएम यहाँ पे क्या होगा, साइन ए और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो साइन ए और 1 का एलसीएम साइन ए, 1 × 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए क्या होगा, साइन ए स्क्वायर है। फिर अपन यहाँ पर ब्रेकेट लगाया, यहाँ पर देखेंगे कोसे के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो कोसे और 1 का एलसीएम क्या होगा, कॉस ए, तो 1 × 1 माइनस कोस इंटू कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर है। ओके, अब आप देखेंगे आपने इसको कन्वर्ट भी कर दिया है और सॉल्व भी कर दिया है, अब देखिए क्या कुछ आइडेंटिटीज लग रही है क्या, जैसा भी होता है वैसे समझिए। यहाँ पर अपन देखेंगे 1 − sin² क्या आइडेंटिटी होती है क्या, चेक कर लीजिए। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। मेरे को काहे की वैल्यू चाहिए, 1 − sin² है, तो साइन स्क्वायर को यदि उधर भेज देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर, तो 1 − sin² काहे की आइडेंटिटी होती है, कॉस स्क्वायर है, तो 1 − sin² की जगह पे रख देंगे कॉस स्क्वायर है और अपॉन में क्या चल रहा है, साइन ए, मल्टीप्लाई का साइन है बीच में। अब यहाँ पे लिखा 1 − cos² है, 1 − cos² को उधर भेजोगे तो 1 − cos² काय की वैल्यू होती है, साइन स्क्वायर है, तो 1 − cos² काय की आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 − cos² की जगह क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर है, अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस है। ओके, तो आपने देखा दोनों मल्टीप्लाई में है, तो एक साइन से एक साइन क्या हो गया, कैंसल आउट, एक कॉस से एक कॉस क्या हो गया, कैंसल आउट, तो जो आपका जो आंसर आया वह क्या आया, कॉस है और साइन है। तो आपने देखा क्या आपका आंसर आ गया क्या, आंसर तो अभी नहीं आया, आंसर तो 1/10 + 4 चाहिए, अब आपका आंसर आया कॉस है साइन है, तो आपको इसका आगे और कुछ भी स्टेप करना पड़ेगी, तो क्या करना है वह आप समझते हैं। आपने देखा आपका आंसर क्या आया, कॉस है साइन है, अब इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है मतलब क्या लिखा है, 1, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा है। अब पता है आपको 1 काय की आइडेंटिटी होती है, 1 काय की आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की। ओके, तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है समझिएगा। अब देखेंगे अपन यहाँ पर लिखा कोस ए साइन ए अपॉन 1, तो आप देखें कोस ए साइन ए अपॉन में लिखा है 1, तो 1 काय की आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है। ओके, अब आप देखेंगे आपने ये लिख तो दिया ऊपर, आपको प्रूफ देट तो क्या करना है, 1/10 + 4, तो मतलब ऊपर क्या लाना है आपको, 1 लाना है, मतलब इसको ऊपर क्या बनाना है आपको, 1 बनाना है, कॉस ए साइन ए को क्या बनाना है आपको, 1, तो आपको जिसको भी 1 बनाना है मतलब डिवाइड बाय कैसे करवाएंगे अपन, कॉस ए साइन ए से अपन क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे, तो अपन देखेंगे यहाँ पर कॉस ए साइन ए को डिवाइड करेंगे अपन कॉस ए साइन ए से, और होल अपॉन में अपन देखा जाए तो साइन स्क्वायर ए को भी अपन डिवाइड करेंगे
कॉस ए साइन ए से, ओके बीच में प्लस लिखा हुआ है तो कॉस स्क्वायर ए को भी अपन डिवाइड करेंगे, कॉस ए और साइन ए से अपन डिवाइड करेंगे। तो अपन देखा कॉस ए साइन ए से कॉस ए साइन ए कैंसिल आउट तो क्या बचा, वन बचा। यहाँ पर एक साइन से एक साइन कट गया तो क्या बचा, साइन अपॉन कॉस बचा, क्या बचा साइन ए अपॉन क्या बचा कॉस ए, प्लस का प्लस। यहाँ पर एक कॉस से एक कॉस कट गया तो क्या बचा कॉस अपॉन क्या बचा साइन बचा। ओके इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे क्या होगा, यहाँ पर अब आप इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर का आपका वन बन चुका है, अब वन बन चुका है तो वन को तो वन लिख दीजिए आपके भैया वन आ गया है। अपॉन में आप देखेंगे साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस मतलब क्या होता है टेन ए, और प्लस कोस अपॉन साइन क्या होता है कॉट ए। तो आपका यहाँ पर आप देखेंगे क्या आ गया वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। तो यह क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व होगा। ओके तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का नाइन्थ वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। थैंक यू।